नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, एक्सपोर्ट करना है, सभी को करना है, लेकिन क्या आपने कभी अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च किया है? और किया है तो क्या पैमानों पे किया है, क्या मेजरमेंट पे किया है आपने, और किस वे आउट में किया है? आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट करना चाहते हो तो उसका मार्केट रिसर्च किस तरीके से करना चाहिए ताकि आप एक सही कस्टमर लॉबी तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सको। जी हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, मेरे पास में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट की मेरे पास में मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत मार्केट रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे लोगों को मेल किया, बट कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि हो सकता है आप उस जगह पे कोशिश कर रहे हो जहां पे उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, या फिर वहां पे हाई डिमांड हो, लेकिन आप उस बंदे तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां तक आपको उस प्रोडक्ट तक पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च की, जो आपके बिजनेस के लिए, एक स्टार्टअप के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम बात करेंगे होलसेल एक्सपोर्ट की, री एक्सपोर्ट की और रिटेल मार्केट की। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट रिसर्च, R&D भी आपने कई बार सुना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ये डिपार्टमेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि इस डिपार्टमेंट का काम ही होता है नई नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप एक्सपोर्टर होते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने बड़े एक्साइटमेंट में होते हैं एक्सपोर्टर का ठप्पा लगवाने के लिए कि उन्हें मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है। उनका टारगेट सिर्फ एक होता है कि मुझे सिर्फ एक कंटेनर भेजना है। वो बहुत जल्दी में होते हैं, उन्हें ना मार्केट से मतलब है, ना प्राइस से मतलब है, ना प्रोडक्ट नॉलेज से मतलब है, ना डॉक्यूमेंट से मतलब है, और इसी वजह से वो धोखे का शिकार होते हैं और नुकसान की भरपाई उन्हें अपने बहुत हार्ड अर्निंग मनी से करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को आज ये इसलिए कह रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट में आप डील करना चाहो कोई इशू नहीं है, आपको कम से कम एक 15 से 20 दिन उस प्रोडक्ट को देना चाहिए, उस प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए देना चाहिए। तो क्या क्या करना है आपको? नंबर वन, आपको सबसे पहले टॉप 10 इंपोर्टेड कंट्री जो है उस प्रोडक्ट को जो इंपोर्ट करती है उनको आपको देखना है कि वो टॉप 10 इंपोर्ट कंट्रीज कौन सी हैं। नंबर टू, जब आप इंपोर्ट कंट्रीज देख लेते हो, अब आपको ये देखना है कि जो ये टॉप 10 इंपोर्ट कंट्रीज हैं उनके जस्ट बगल में, यानी उनके आसपास के अंदर, उनकी नेबरहुड कंट्री जो है वो कौन सी है जो उनके लिए टॉप में है, यानी री एक्सपोर्ट के लिए जो हब बन सकता है। जैसे हम बात करें UAE की, UAE मिडल ईस्ट का एक हब बन गया, UAE से आप किधर भी सप्लाई कर सकते हो। तो आपने अगर UAE भेजा तो वो माल ओमान भी जा सकता है, वो कतर भी जा सकता है, वो सऊदी भी जा सकता है। उसी तरीके से अगर आप इजिप्ट माल भेज रहे हो तो इजिप्ट से इस साइड का पट्टा पूरा आप क्लियर करते हो। अगर आप मलेशिया भेज रहे हो तो मलेशिया से आप उस मलेशिया के नीचे के जो कंट्रीज हैं उनको टारगेट करते हो। ये री एक्सपोर्ट के हब है, क्योंकि यहां पे माल जाता है होलसेल में भी, और यहां पे जो लोग बैठते हैं वो इन्हें री एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहां पे हाई डिमांड है, लेकिन यहां पे हाई कंपटीशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन सबको पता है और सारे लोग यहीं पे कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे एक एडवांस स्टेप लेके देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर होती है, कि आप दुबई की बजाय आप डायरेक्ट ओमान कतर को भी आप टारगेट कर सकते हो, आप इजिप्ट को भी टारगेट कर सकते हो, आप इस साइड में मलेशिया की बजाय वियतनाम को टारगेट कर सकते हो, आप मॉरिशस को टारगेट कर सकते हो। ये वो कंट्रीज हैं जहां दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच लेके जा रहे हो वहां पे, तो आपको वहां पे हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज उतनी ना मिले, डिमांड उतनी ना मिले, कि बहुत बड़ी जहाँ पे आपको यहाँ पे 100-150 कंटेनर की बात हो रही है, वहाँ पे यहाँ पे हफ्ते में हो सकता है 2-4 कंटेनर की बात हो रही हो, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। नंबर टू, यहाँ पे इतने लोग अप्रोच नहीं करते हैं, जो नेबरहुड कंट्रीज होती है, जो री एक्सपोर्ट का हब होता है, और जो मतलब दुबई के अंदर
आप अगर कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा, आपको कॉल किया, आपको खुद को अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल होते हो तो आपके पास इंक्वायरी जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कोशिश आप कतर में करके देखिए, ये कोशिश आप ओमान में करके देखिए, आपके पास में उतना बड़ा रिप्लाई सेट नहीं आता है कभी भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक डायरेक्ट अप्रोच जो है मार्केट रिसर्च की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके बिजनेस का पूरा ध्रुवीकरण बदल सकती है। जो हम यूज करते हैं, यूके हमने अभी जो एक्सपोर्ट किए हैं ऑनियन, आप ये सोचिए यूके के अंदर ऑनियन एक्सपोर्ट एक नया टेस्ट, हम लोगों ने इसे टेस्ट किया है अभी, और ये चौथा या पांचवा कंटेनर था हमारा, क्योंकि एक कंटेनर को हम ऐड नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट नहीं था। लेकिन आप सोचिए कि ये एक नया एक्सपीरियंस, हम भी नई अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं, हम भी नए अपॉर्चुनिटीज वे आउट के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये होता है। अगर आप मार्केट रिसर्च प्रॉपर करते हो तो मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका बायर सर्च चलता है, और बायर सर्च में आपकी कस्टमर लॉबी जो होती है वो आप डिफाइन कर सकते हो। मार्केट रिसर्च के अंदर नंबर 3 पे जो आता है वो ये है कि आप लोग कस्टम पोर्ट डाटा को आप लोग ले सकते हो, और कस्टम पोर्ट डाटा के अंदर आपको पूरे वर्ल्ड का जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो डाटा होता है वो आपको ये बताता है कि कौन सी कंट्री में कितना माल गया, कब कब गया, वहां के रिपीटिंग ऑर्डर कैसे रहे, कौन सी फर्म के रिपीटिंग ऑर्डर रहे। नो डाउट इसमें बायर का आपको ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च के लिए कस्टम पोर्ट डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कंप्लीटली समझ में आ जाती है। दोस्तों बिना मार्केट रिसर्च के बिजनेस में उतरना, बिना ड्राइविंग स्किल के, यानी आपको ड्राइविंग नहीं आती फिर भी गाड़ी चलाने का प्रयास करना, दोनों बराबर है। क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, आप चलाओगे आपका एक्सीडेंट होगा। उसी तरह अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया है और उसके बावजूद अगर आप कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उसमें नुकसान होगा। मैं मार्केट रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। किसी भी कंपनी को अगर अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना हो तो सबसे पहले वो उस पर R&D करते हैं, पूरे मार्केट को समझते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं, और उसके बाद में वो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, और प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसी तरीके से बनाई जाती है, और उसके साथ में फिर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लेके आया जाता है। आप समझिए एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक लाने तक का ये पूरा प्रोसेस डेवलप किया जाता है, और उस प्रोसेस के बाद में प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो वो डेफिनेटली सक्सेस होता है। और हम लोग सिर्फ बैठ के यही सोचते हैं यार ये कंपनी ने, इसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इसने ये मैनेज किया, इसने वो मैनेज किया, आज इसके लिए इस लेवल के ऊपर है। बट इसके पीछे का जो प्रोसेस है अगर आप उसे समझ जाओ तो आप यकीन मानिए वो मैनेजमेंट, वो सिस्टम आप भी डेवलप कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, सचिन तेंदुलकर को भारत ने भगवान माना क्रिकेट का, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद में बाकी कोई आया नहीं? उसके बाद में क्रिकेट बंद हो गया, उसके बाद में हमने सहवाग, सचिन के साथ में हमने सहवाग को देखा, इज ऑल्सो गुड प्लेयर, उसके बाद में हमने धोनी को देखा जिसने पूरा मैच ही बदल दिया, क्रिकेट को बदल दिया। उसके बाद में हमें लगा था कि धोनी के बाद में कौन होगा, विराट कोहली आया, और अब एक एक करके ऐसे लोग आते जा रहे हैं जो इस गेम को, इस क्रिकेट को बहुत स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान साबित हो रहे हैं। उसी तरीके से मार्केट रिसर्च इसी का नाम है, क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च किया, ये जो बैट्समैन है इन्होंने प्रैक्टिस की, रिसर्च किया किस तरीके के बॉलर के ऊपर, क्योंकि अगर आपको पता है कि सामने वाली टीम कौन है, किसके साथ में किस तरीके से खेलना है, तो आप एटलीस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपनी प्लानिंग बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता है डायरेक्टली, मतलब आपको तलवार चलानी नहीं आती और आप सामने दुश्मन के साथ में चले गए, वो आप जब तक तलवार उठाओगे तब तक सर धड़ से अलग, तो ये मत कीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़े नुकसान का सबब बनते जा रहा है। मेरी पीड़ा सिर्फ एक है कि मैं जब ये सुनता हूं कि इसका कंटेनर डूब गया, उसका कंटेनर डूब गया, उसके पैसे डूब गए, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, बिना प्रोसेस सिस्टम के ये क्यों करते हैं। ये जितना भी आप लोग देखते हो इतना पैसा उतना पैसा, तुरंत करोड़पति बन जाओ एक्सपोर्ट में, ये हो जाओ वो हो जाओ, यकीन मानिए तुरंत करोड़पति किसी भी धंधे में नहीं बना जाता है। ये पूरा एक बिजनेस प्रोसेस सिस्टम है, जिसे प्रोसेस से अगर आप करते हो, स्टेप टू स्टेप करते हो, तब जाके आपके सफलता के चांसेस बनते हैं। अगर आनंद फानंद में करोगे, एक्साइटमेंट में करोगे, डर और लालच में करोगे,
यकीन मानिए आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान को पाओगे। मार्केट रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आपने मार्केट रिसर्च ही नहीं किया, मैं जब दुबई गए थे हम लोग, यूएई के अंदर हम लोगों ने इस मार्केट रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया कि वहां पर रेगुलर सप्लाई है ही नहीं किसी भी प्रोडक्ट की। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये हमारी R&D है, हमारा मार्केट रिसर्च है, और इसके हिसाब से अब हमने हमारी स्ट्रेटेजी प्लान की है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। अब हम उस स्ट्रेटेजी के साथ में वहां पे उतरेंगे और डेफिनेटली हम उस पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में उसका जो इफेक्ट है, आने वाले समय के अंदर उसका जो पार्ट है, वो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि कैसे ऐसे जगह के ऊपर भी एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया जा सकता है। ये मैं आज दावे के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी R&D उतनी स्ट्रांग है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया है, मैंने पूरा मार्केट रिसर्च किया है, पूरा मार्केट एनालिसिस किया है, और उसके बाद में मेरी पूरी टीम ने बैठ के हम लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है। तो आज मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पर आप लोगों के पास में इस चीज़ का गैप होगा, तो आप लोगों को ये गैप फुलफिल करना चाहिए, आप लोगों को वर्कआउट करना चाहिए। बाकी अगर एक्सपोर्ट आपको करना है और किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए, अगर एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहा है, वेबसाइट डॉक्यूमेंट जो भी हो ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहा है, कॉल कीजिए, कॉल करके इंफॉर्मेशन लीजिए हमारे एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव से कि कैसे आप अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट रिसर्च फाउंडेशन है बिजनेस का, मार्केट रिसर्च आधार है बिजनेस का, मार्केट रिसर्च आधार है आपके प्रोडक्ट का, मार्केट रिसर्च आधार है आपके भविष्य का, जो ये निर्धारित करेगा कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे। और मेरा हमेशा काम रहा है आप लोगों को अवेयर करना, अपडेट करना, क्योंकि मैं मानता हूं जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से एक बार भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।